नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये मेरा जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9 होगा। इसके पहले मैंने जो है टोटल 8 पार्ट अभी तक पढ़ा चुका हूँ। 8 पार्ट में जो है मैंने पिछला जो 8वां पार्ट था मैंने उसमें पढ़ाया था आपको मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, उसके बाद हुमायूं और सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये जो इसका जो वीडियो है इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरा 8 का 8 वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। और इसके पहले जो मैंने हिस्ट्री का ही पार्ट एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया था वो 13 पार्ट में खत्म किया है, उसका ही वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसको दबा करके क्लिक कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वहां से तुरंत ही वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी मैं पिछला क्लास में पढ़ाता हूँ मैं पहले उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं पिछले क्लास का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1507 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बाबर ने रखी थी, और कब रखी थी, तो 1526 ईस्वी में। किस समय, तो पानीपत की जब पहली लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ, उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल किसके वंश से संबंधित थे, तो तुर्की के चुगताई वंश के से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा के बारे में भी बोलते हैं, बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बाबर द्वारा जो है 4 युद्ध लड़ा गया है, तो उसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि पाखा छाखा बोलते हैं हम लोग, प से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा का युद्ध। तो पाखा छाखा बोला था मैंने 26, 27, 28, 29, तो जो 27 है मतलब 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बाबर के अलावे कौन से मुगल शासक के बारे में भारत में शहर बाहर बने हैं, तो मकबरे जो है बाबर के अलावा जो है और किसका किसका बना हुआ है बाहर, तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर का, क्योंकि बाबर का कहाँ बना हुआ है मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अफगानिस्तान में के कहाँ पर, काबुल में। इसके पहले इसका जो मकबरा था बाबर का वो कहाँ था, आगरा में था, फिर वहां से शिफ्ट होकर के वो कहाँ चला गया, तो अफगानिस्तान का काबुल में चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो फरगना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो मैंने बताया था कि यूसुफ जियो के विरुद्ध किया था 1519 ईस्वी में, लेकिन इसमें जो उसे सफलता नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि तुर्की में लिखी है। ठीक है, और इसका जो फारसी में अनुवाद भी हुआ है तो वो किसने किया है, मैं वो आज इस पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो बाबर का पूरा नाम जो था वो क्या था, जहीरुद्दीन बाबर था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो मैंने बताया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, कब हुई थी, तो अप्रैल 1526 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा तोपची। तोपची का मतलब होता है कि तोपखाना चलाने वाला, जो तोप चलाने वाला होता था। ठीक है, तो इसने जो है 1526 ईस्वी में जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो इसी दोनों ने तोपची अपना तोपखाना संभाला था और बाबर को युद्ध में विजय दिलाने में काफी मदद की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा आगरा में, और मृत्यु होने के बाद ही आगरा में ही पहले से दफनाया गया था, उसके बाद मैंने बताया कि वहां कहां से फिर उठा करके वहां से फिर काबुल लेके चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था चंदेरी का युद्ध, पाखा चागा, तो च नंबर हो जाएगा, तो 1528 ईस्वी में हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था, तो बाबर का नाम था। तो कुतलुग निगार खानम जो है किसकी माता का नाम था, तो बाबर के, और बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा। पिछले क्लास में मैंने सारा बताया है, आप लोग यदि पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो जरूर पिछला वीडियो एक बार देख लें, तो आपको सारा जो है फिर से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है, तो कलंदर। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बाबर ने जो कलंदर की उपाधि ली थी किस कारण से, तो उदारता के कारण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई।
अगला क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी 1483 ईस्वी में, कहाँ पे, तो फरगना में, ठीक है, बाद में ये फरगना का ही राजा बना था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा समरकंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी, उसे पराजित किया था इसने घाघरा के युद्ध में। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में, पा खा चागा मैंने बताया था, तो 26, 27, 28, 29, तो ठीक है। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 ईस्वी में, तो किसके खिलाफ, तो महमूद लोदी के खिलाफ, और वह कौन था, तो इब्राहिम लोदी का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी, तो मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी, तो तुलुगमा नीति इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया, तो 1504 ईस्वी में किया था। चलिए अब हम लोग जो है हुमायूं के बारे में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, तो उसका उत्तर हो जाएगा 23 साल की उम्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में, और इसी युद्ध में क्या हुआ था, इब्राहिम जो शेर शाह सूरी था इसकी विजय हो गई थी और हुमायूं हार गया था, और वो भागकर फिर कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था, और सिंध कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर में बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली, तो ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी, तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, तो हाजी बेगम ने बनवाया था, और ये हाजी बेगम कौन थी, तो ये हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार युद्धों का क्रम क्या है, तो दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। जो ये सरहिंद का युद्ध है, इसके बाद से फिर से दिल्ली की सल्तनत पर हुमायूं का शासन हुआ था, और वो कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, तो दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। उसके बाद किसकी मदद से हुमायूं दोबारा सत्ता हासिल हुआ, तो ईरान के शाह और बैरम खां, जिन्होंने 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा था। माफ कीजिएगा, मैंने यहां पे 1556 बोल दिया था, लेकिन वो 1555 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा हुमायूं की। और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, इसमें शेरशाह की सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, और ये शेरमंडल पुस्तकालय कहाँ था, तो दीनपनाह नगर में था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो बदखशां का सूबेदार था। नेक्स्ट है कि अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी, तो राणा वीर साल के यहाँ शरण ली थी। वहीं पर किसका जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं शेरशाह सूरी पर। तो सूरवंश का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी। सूरवंश की स्थापना कब हुई, तो 1540 ईस्वी में, और कैसे हुई थी, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, और उसके बाद सूरवंश की स्थापना हुई थी 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था, तो अफगानिस्तान से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1472 ईस्वी में बाजबाड़ा नामक स्थान पर, मतलब होशियारपुर जिले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर खां का जो बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। शेर खां के पिता का नाम क्या था, तो हसन खां था। और शेर खां के जो पिता थे हसन खां थे, वो कहाँ के जमींदार थे, तो जौनपुर के छोटे से जमींदार थे वो। अगला क्वेश्चन है कि शेर खां बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था, तो मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था, और यहीं पर उसने क्या किया था, शेर का शिकार किया था, जो अगला क्वेश्चन में है। देखिए शेर खां की उपाधि किसने और क्यों दी, तो एक बार शिकार पर गए नुहानी के साथ शेर खां ने तलवार से एक ही बार में शेर को मार दिया। इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर शेर शाह की उपाधि प्रदान की गई, किसके द्वारा, तो ये जो राजा है मोहम्मद शाह नुहानी, इनके द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि खां के राज्याभिषेक के बाद उसे कौन सी उपाधि धारण की, तो शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1539 या 1540 भी अभी उसी के आसपास में हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें जो शेरशाह की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो चौसा का युद्ध है ये 1539 में, और जो बिलग्राम का युद्ध है 1540 में, इसमें भी जो है शेरशाह की विजय हुई थी, ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, और इसके बाद जो है शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकादारों की नियुक्ति किस शासक ने की थी, तो शेरशाह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के शासन में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था, तो पैदावार की एक तिहाई भाग कर के रूप में लिया जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए, तो सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है कि देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण करने से पहले शेरशाह जो है करने से पहले किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। मतलब देश की सारी जमीन का जो सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया, तो सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है कि कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने शुरू की, तो शेरशाह ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण कराया, जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है, तो शेरशाह ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने इस लंबी सड़क का नाम क्या दिया था, जो था उसका नाम था सड़क ए आजम, जो अब क्या नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। डाक प्रथा किसने चलवाई, तो शेरशाह ने चलवाई थी। शेरशाह का वित्त मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल था, और ये टोडरमल जो है बाद में क्या हो गया, तो ये अकबर का नवरत्न में शामिल हो गया था, जो हम लोग आज के पाठ में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दीवान वित्त मंत्री का नाम क्या था, जो शेरशाह एवं अकबर दोनों के दरबार में था, तो यही राजा टोडरमल हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया, तो 1541 रखा गया, और किसने रखा, तो शेरशाह सूरी ने रखा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। अब हम लोग आज के पार्ट में आते हैं, जो कि अकबर के बारे में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो मुगल सल्तनत का जो मुगल शासन था, शासक था, उसमें से तीसरा शासक जो हुआ वो कौन हुआ, अकबर हुआ। इसने 1542 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। ठीक है, इसका जो ये 1542 है, ये इसका शासक का नहीं, ये जन्म का है, और इसने जो शासन स्टार्ट किया था अपना 14 साल में स्टार्ट किया था, वो कैसे हुआ था वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है, तो हमीदा बानू बेगम जो थी उनके गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और हमीदा बानू बेगम जो है किसकी माता थी, तो अकबर की माता थी, और ये पत्नी किसकी थी, तो हुमायूं की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर का बचपन जो है क्रमशः उसके चाचा अस्करी तथा कामरान के यहाँ बीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर जो है वो पर्याप्त शिक्षा ना प्राप्त ना कर सका, किंतु यह सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में निपुण हो गया था। मतलब वह जो था पढ़ाई लिखाई में अनपढ़ था, लेकिन जो उसका सैनिक और प्रशासनिक कार्य था उसमें वह निपुण था। और देखिए फिर 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को हुमायूं ने मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो सोचिए मात्र 9 वर्ष की उम्र में हुमायूं ने मुनीम खां थे, उनके संरक्षण में अकबर को गजनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया। फिर 1555 ईस्वी में अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया। तो मतलब 1555 में उसकी उम्र कितनी थी, तो 14 साल थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं की मृत्यु होने पर बैरम खान ने कलानौर गुरदासपुर पंजाब जो है अभी में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक किया। तो ये जो बैरम खान थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे अकबर के लाइफ में, चलिए वो हम लोग आगे देख लेंगे। फिर क्या है, अकबर का जो शिक्षक था वो कौन था, अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। ठीक है, फिर क्या है, अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। तो इतना बड़ा उपाधि उसने लिया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वादशाही गाजी। फिर क्या है कि बैरम खां का जो संरक्षण था उसे कब से कब तक प्राप्त हुआ था, तो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक हुआ था। और बैरम खां का जो है अकबर किस नाम से बुलाता था, तो खान बाबा के नाम से बुलाता था। हम लोग देख लेते थोड़ा सा, जो अकबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध था तो उसमें था आता है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध था ये दूसरा युद्ध था, यह किसके किसके बीच में होता था, अकबर और हेमू के बीच में होता था। तो ये हेमू कौन है, तो हेमू जो था वो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। ठीक है, जो कि बोला जाता है कि वो दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था। ठीक है, इसने कब 1556 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसमें क्या हुआ था,
जो हेमू की जो है हार हो गई थी और उसका वध कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, पुनः स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेवात की विजय। इसमें क्या हुआ था, हेमू की मृत्यु के पश्चात जो है बैराम खान ने मेवात पर विजय प्राप्त की और वहां की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर सूरी पर आक्रमण। सिकंदर सूरी को पराजित करके बैरम खान ने 1557 ईस्वी में मानकोट के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इन विजयों के अतिरिक्त अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में 1558 और 1560 ईस्वी में अजमेर तथा जौनपुर तथा ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। तो ये जो देखिए सिकंदर सूरी का जो आक्रमण प्रजा आक्रमण किया तो वो 1557 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि 1558 1560 तक जो है उसने बैरम खान का सपोर्ट लिया था, मतलब युद्ध में। उसके बाद फिर वह खुद स्वतंत्र युद्ध करने लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ कि मक्का की जो तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो बैरम खां की हत्या कर दी कब, 1560 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1560 से 1564 ईस्वी जो ये 4 साल है इसको पेटीकोट शासन कहा जाता था अकबर के राज में। और वो क्या था, तो बैरम खां के पतन के बाद क्या हुआ, 1560 से 1564 ईस्वी तक शासन में अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों का बहुत अधिक प्रभाव था। तो यही जो ये हरम दल था इसी का बहुत प्रभाव था। इसी शासन काल को अनेक इतिहासकारों ने क्या बोला है, तो पेटीकोट शासन बोला है। क्यों बोला है, तो इस शासन में क्या था, अकबर के संबंधी और हरम की स्त्रियों का बहुत अधिक प्रभाव था। मतलब इसमें जो अकबर प्रभावी नहीं थे और यहाँ पे उनके संबंधी और स्त्रियां लोग प्रभावित थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अकबर की कुछ विजय। जो अकबर का विजय था वो क्या क्या था, तो पहला था मालवा का विजय। 1560 ईस्वी में अकबर ने बाज बहादुर से मालवा प्रदेश जीतकर पीर मोहम्मद को सौंप दिया। मतलब बाज बहादुर का इस समय मालवा पर अधिकार था, 1560 ईस्वी में अकबर ने इसे हराया। तो ये इसके द्वारा जो है पहला था जो कि इसने स्वतंत्र रूप से लड़ाई की थी। मतलब इसमें जो है बैरम खां का इन्होंने सपोर्ट नहीं लिया था, ठीक है। किंतु बाज बहादुर ने क्या किया, मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में अकबर ने फिर हमला फिर मालवा के विरुद्ध विशाल सेना भेजी और बाज बहादुर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और मालवा पर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मतलब मुगल साम्राज्य का शासन हो गया मालवा पर। तो मतलब क्या हुआ, 1560 में पहले मालवा जीता अकबर ने, फिर उसे पीर मोहम्मद को सौंप दिया। फिर 1562 ईस्वी तक क्या हुआ, बाज बहादुर ने फिर से उसे कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने क्या किया, अपनी सेना भेजी और फिर से बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और जो मालवा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट हुआ गोंडवाना की विजय। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने रानी दुर्गावती को पराजित करके गोंडवाना प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तो ये भी एक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोंडवाना जो विजय है किसके खिलाफ हुआ था, तो अकबर ने रानी दुर्गावती को पराजित करके गोंडवाना पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है चित्तौड़ का विजय। तो क्या हुआ था, 1568 ईस्वी में अकबर ने राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को पराजित करके मेवाड़ के रणथंभौर प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ को जीत लिया। तो 1568 में अकबर ने राणा सांगा के जो पुत्र थे इन्होंने क्या किया, उदय सिंह को पराजित करके क्या किया, मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ के दुर्ग को हासिल कर लिया। फिर क्या हुआ, उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात भी जो है महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। मतलब इन्होंने अकबर की स्वाधीनता को मतलब स्वीकार नहीं किया, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रणथंभौर तथा कलिंजर की विजय। 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ के शासक राणा सुजान राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो रणथंभौर के जो विजय था इसमें क्या हुआ कि जो राणा सुजान राय थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हुआ था कि राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध। तो मेवाड़ के जो राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर लिया, मैंने पिछले अभी स्लाइड में बताया। उसके बाद क्या हुआ, 1576 ईस्वी में राजपूतों मतलब राणा प्रताप तथा मुगल सेना के मध्य हल्दीघाटी का प्रमुख युद्ध हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी पोस्ट किया है महाराणा प्रताप का और हल्दीघाटी युद्ध का। ये जो मुगल राजपूत वार के नाम से जाना जाता है हल्दीघाटी युद्ध, जो 1576 ईस्वी में हुआ था। राजपूत शक्ति को बहुत क्षति पहुंची थी, मतलब इस युद्ध में जो राजपूतों की जो शक्ति को बहुत क्षति पहुंची थी, किंतु फिर भी उन्होंने मुगल के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और अंत तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके बाद कहा जाता है कि जो राणा प्रताप है वो जंगल चले गए थे और जंगल में ही फिर उसके बाद जो है संघर्ष करते रहे और फिर लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गुजरात की विजय। तो 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात के विरुद्ध
मतलब बढ़ा, आगे बढ़ा। यहाँ के शासक जो था क्या, कौन था, तो मुजफ्फर खां तृतीय ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो गुजरात में अकबर को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1572 में जब वो गुजरात के विरुद्ध बढ़ा तो उसके बाद क्या, वहाँ के जो शासक थे मुजफ्फर खां ने तुरंत ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर आते बंगाल और बिहार की विजय। तो 1576 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में, तो राजा टोडरमल वो कौन था, वित्त मंत्री था शेरशाह सूरी के राज में, फिर वो अकबर के यहाँ आ गया, क्या वह नेतृत्व में बिहार तथा बंगाल के विरुद्ध सेना भेजी। यहाँ के शासक दाऊद खां को पराजित करके यह प्रदेश मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1576 ईस्वी में क्या किया अकबर ने, तो अकबर ने बिहार और बंगाल को विजय कर लिया, ठीक है, और वहाँ के जो शासक थे दाऊद खां को हरा कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर आते हैं काबुल का विजय। तो 1585 ईस्वी में अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो जब अकबर के जो सौतेले भाई थे कौन, तो मिर्जा मोहम्मद हकीम, इनकी मृत्यु के बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट आता है कश्मीर पर अधिकार, तो या कश्मीर का विजय। तो 1586 ईस्वी में अकबर ने राजा भगवान दास की सहायता से कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ये जो भगवान दास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा किए थे इसमें अकबर के शासनकाल में, वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सिंध और कंधार की विजय। तो अकबर ने 1591 ईस्वी में सिंध और 1596 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में, और कंधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। अगला है कि अहमदनगर की विजय। तो 1600 ईस्वी में अकबर ने मुराद और खान खाना के नेतृत्व में, खान खाना कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना बोला जाता है इन्हें, ये अकबर के जो नौरत्न में शामिल थे वो हम लोग आगे देख लेंगे आज। तो नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध सेना भेजी। मुगल सेनाओं ने वहाँ के शासक निजाम शाह को बंदी बना लिया और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में अहमदनगर की विजय हो गई अकबर के द्वारा। नेक्स्ट हुआ खानदेश की विजय। तो 1601 ईस्वी में खानदेश के शासक मिर्जा बहादुर को पराजित करके इस पर अधिकार कर लिया। तो मतलब 1601 ईस्वी में अकबर ने कौन सा विजय किया, तो खानदेश की विजय की। इस प्रकार अकबर ने अनेकों विजय की तथा उसका साम्राज्य जो है हिमालय से नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गया, ठीक है। तो ये था अकबर के द्वारा बहुत सारा जीता हुआ जो विजय है, ठीक है। इसको जो आप लोग हैं वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये सारा जो है जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके जो एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर उस पर ध्यान देंगे। हम लोग आते हैं और फिर कुछ अकबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अकबर का जो सेनापति था वो कौन था, मानसिंह था, जो राजा मानसिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 57 साल में हो गई और 19 फरवरी 1597 में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी, तो मेवाड़ का जब युद्ध हुआ था उसके बाद ही हो गया था, जब वो जंगल चले गए थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात विजय के दौरान जो है अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। तो मतलब जो गुजरात का जो समुद्र है, मतलब वहाँ पे जो पड़ता है वो बे ऑफ कच्छ पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ जो है उन्होंने पहली बार समुद्र को देखा, ठीक है, और वहाँ पे पुर्तगालियों से ही मिला। फिर उन्होंने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म का क्या भैया, प्रधान पुरोहित अकबर था। मतलब जो दीन ए इलाही धर्म को बनाया पहले किसने, तो स्थापित किया अकबर ने किया। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था, अकबर था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और हिंदू शासक कौन बना, तो बीरबल था वह, ठीक है। यही एक प्रथम और आखिरी था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग जो है कोई भी मैं जो बता रहा हूँ सारा पॉइंट है इसको अच्छे से नोट कर लें, ये आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो कौन था, तानसेन था, जो कि अकबर के दरबार का नौरत्न में माना जाता था। फिर क्या हुआ, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो अब्दुल समद था। कौन था, तो अब्दुल समद। नेक्स्ट, दसवंत और बसावंत जो अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ये भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जो थे वो कौन थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। क्या है कि अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो कौन थे, तो संत शेख सलीम चिश्ती थे, और इसी के नाम पे जो अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम, ठीक है, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, ठीक है।
तो मनसबदारी प्रथा क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा यह थी कि जो भी आदमी जैसे जैसे जिस जो जिस जिस पोस्ट पे है वहाँ पे उस हिसाब से उसे पैसे मिलते थे, और उसको हम लोग वो लोग क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे या मनसबदारी बोलते थे। कि जैसे था जो सबसे उच्च कैटेगरी का था, मतलब सबसे ऊपर वाले था, उसको 5,000 का मनसबदारी था, उससे नीचे वाले को 3,000 का था, उससे नीचे वाले को 2,000 मनसबदार मिलता था, और जो सैनिक वैनिक होते थे उन्हें 500-200 इस तरह से करके मनसबदार दिया जाता था। तो ये थी मनसबदारी प्रथा। फिर देखिए अकबर की मृत्यु का है, ये क्या है कि 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अर्धरात्रि को अकबर का अतिसार रोग मतलब डिसेंट्री के कारण जो है मृत्यु हो गई। उसे सिकंदराबाद के मकबरे में दफनाया गया। तो सिकंदराबाद के मकबरे में अकबर को दफनाया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब है क्या कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की प्रमुख कीर्तियाँ, मतलब अकबर ने जो है बहुत सारा जो निर्माण किया था वो कौन कौन सा था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो हुमायूं का जो टॉम्ब है दिल्ली में, उसका जो निर्माण करवाया था अकबर ने करवाया था। रेड फोर्ट ऑफ आगरा, मतलब आगरा का जो लाल किला था उसका भी। फिर फतेहपुर सीकरी में शाही महल जो था वो भी, जो शाही महल था, शाही महल ऑफ फतेहपुर सीकरी उसका भी। फिर दीवाने खास, फिर पंचमहल, फिर बुलंद दरवाज़ा जो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। फिर जोधा भाई का महल, जो जोधा भाई कौन थी, तो ये जो है अकबर की पत्नी थी। ठीक है, उसका इबादत खाना, फिर इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इतना सारा जो चीज़ है अकबर ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये जरूर नोट कर लें कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो अकबर को कहा जाता है, अकबर के काल को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो अकबर ने क्यों करवाया था, तो गुजरात का विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब इन्होंने गुजरात को जीता था उसमें इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है कि अकबर ने सौरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। तो जो उन्होंने उपाधि दी सौरी कलम की, वो किसे दी, अब्दुल समद को दी, और जड़ी कलम की उपाधि किसे दी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। फिर क्या हुआ, 1581 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के गुणों का संग्रह करके दीन इलाही या ताहिद इलाही या तहकीद इलाही या दैवी ऐश्वर्य वाद मतलब डिवाइन मोनोथिज्म का नामक धर्म की स्थापना की। जो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की, इसका बहुत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अकबर ने की थी। और इसका जो अबुल फजल है ये इसका प्रधान पुरोहित था। तो सबसे पहले पुरोहित तो अकबर ही थे, उसके बाद जो पुरोहित था प्रधान पुरोहित वो कौन था, अबुल फजल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो क्या क्या है, तो पहला है दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने कब किया था, तो 1562 ईस्वी में। अगला है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब हुई थी, तो ये भी 1562 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने कब किया था, तो 1563 ईस्वी में। फिर जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, तो 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब हुई, तो 1575 ईस्वी में। फिर इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब मिली, तो 1578 ईस्वी में। फिर मजहर की घोषणा कब हुई, तो 1579 ईस्वी में। दीने इलाही धर्म की स्थापना कब हुई, तो 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई, तो 1583 ईस्वी में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब हुई, तो 1585 ईस्वी में। तो ये तो था हमारा जो अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। अब हम लोग आते हैं जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें से पहले जो नवरत्न में आते थे वो आते थे अबुल फजल। जो अबुल फजल थे इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अबुल फजल जो है शेख मुबारक का पुत्र था, तो इसके पिताजी का नाम क्या था, शेख मुबारक था। अबुल फजल ने 20 सवार के मनसब से, मतलब पहले उन्हें कितना मिलता था, तो 20 सवार मनसब मिलता था। उसके बाद उसने अपना जीवन स्टार्ट किया 20 सवार मनसब से। फिर अपनी योग्यता से वो बढ़कर कितना मनसब आ गया, तो 5,000 मनसब पर आ गया, तो मतलब 5,000 मनसबदार बना वो। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा तथा आईने अकबरी की रचना की। तो मतलब अबुल फजल ने किसकी रचना की, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की। उसके बाद 1599 से 1600 ईस्वी में उसने सैनिक प्रतिभा भी दिखाई। तो मैंने उसमें युद्ध बताया था कि किस युद्ध में वह शामिल हुआ था, आप लोग पीछे जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, तो 1599 से 1600 ईस्वी तक जो है अकबर के साथ उन्होंने सैनिक प्रतिभा दिखाई। किसने, तो अबुल फजल ने। वह एक कुशल राजदूत भी था, मतलब ही वॉज ए वेरी गुड एम्बेसडर। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1602 ईस्वी में शहजादे सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी। तो ये शहजादा सलीम कौन था, तो जो ये था जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आते हैं जो नवरत्न में वो थे बीरबल।
तो बीरबल का जन्म जो है वो कालपी में 1528 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेश दास था और यह जो है जात से क्या थे, ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण वंश के थे। वह 2000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। ये भी अपना जो मनसबदार है मतलब बहुत कम से स्टार्ट किए थे, बाद में 2000 मनसबदार में ये नियुक्त किए गए। उसका बीरबल को 1586 ईस्वी में न्याय विभाग का उच्च अधिकारी बना दिया गया। तो मतलब इनका जो मतलब बात करने का तरीका था और जो कुछ भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है इन्हें न्याय विभाग का उच्च अधिकारी बना दिया गया। और इसके बाद जो उन्हें राजा की पदवी दे दी गई, तब से इन्हें राजा बीरबल बोला गया, बोला जाने लगा। फिर क्या हुआ, उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सकने पर भी उन्हें हास्य और हाजिर जवाबी के महान प्रशंसनीय गुण थे। मतलब वो उच्च शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं थी, फिर भी वह हास्यरस और हाजिर जवाबी के में महान थे। मतलब जो हास्यरस होता है और जो मतलब तुरंत जो हाजिर जवाब देते हैं उसमें वो महान थे। उसे जो है उन्हें क्या था, कविराज की उपाधि प्राप्त थी, मतलब उन्हें कविराज बोला जाता था। और बीरबल ही एकमात्र था जिसने कि जो दीन ए इलाही धर्म को माना था, मतलब वह एकमात्र हिंदू था, मतलब प्रथम और अंतिम हिंदू वही था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था। फिर क्या है, 1586 ईस्वी में यूसुफ जईयों के विरुद्ध लड़ते हुए समय बीरबल की मृत्यु हो गई। जो यूसुफ जई लोगों ने इनके साथ क्या किया था, विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ, तो उसमें जो बीरबल उनसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मतलब मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन है, तो राजा टोडरमल है। ठीक है, तो राजा टोडरमल जो थे यह उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उन्होंने आरंभ में शेरशाह सूरी के पास नौकरी की तथा सूरवंश के अंत तक मुगल सेना में आया। जब सूरवंश का अंत हो गया तो उसके बाद वो मुगल सेना में आ गया। 1562 ईस्वी में यह प्रमुख अधिकारी बन गया तथा 1572 ईस्वी में गुजरात प्रदेश का दीवान नियुक्त हुआ। तो 1562 ईस्वी में यह प्रमुख अधिकारी बना, उसके बाद 1572 ईस्वी में गुजरात प्रदेश का दीवान नियुक्त हो गया। फिर 1582 ईस्वी में वह प्रधानमंत्री बन गया। वह सत्यवादी, साहसी, एक कुशल सैनिक, सेनानायक तथा राजदूत था। वह शासन प्रबंध एवं अन्य विषयों का गुण ज्ञाता था। क्यों था, क्योंकि वह जो है इसके पहले शेरशाह सूरी के यहाँ काम करता था। भूमि संबंधी सुधारों के लिए राजा टोडरमल का नाम विख्यात है। जो भूमि संबंधी जो भी सुधार होते थे उसके लिए जो है राजा टोडरमल जो है बहुत ज़्यादा विख्यात थे। फिर 1589 ईस्वी में जो है टोडरमल की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथे नंबर जो है, तो मानसिंह। मानसिंह कौन थे, तो मानसिंह अजमेर के राजा भारमल का पौत्र था, मतलब पोता था। उसके जो है संपर्क में आकर अकबर का हिंदुओं के प्रति दृष्टिकोण और भी उदार हो गया। मतलब उसके पहले वो हिंदू के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं था, फिर धीरे धीरे जब मानसिंह के संपर्क में आए तो फिर उनका जो है उदार हो गया। अकबर के अधीन राजा मानसिंह ने काबुल, बिहार तथा बंगाल आदि प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान किया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थे तानसेन। जो तानसेन थे वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। उन्हें कई रागों का निर्माण किया, तो कई रागों का उन्होंने निर्माण किया। जैसे हम लोग जानते हैं राग ध्रुपद हो गया, ठीक है, तो उनके समय जो है ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। तानसेन ने संभवतः इस्लाम ग्रहण किया और इन्हें जो है उसके बाद जो इनकी जो प्रमुख कीर्तियां थी वो क्या थी, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कढ़ा आदि। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियाँ की टोड़ी, मियाँ के मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कढ़ा जो है ये किसकी रचना है, तो ये सारे तानसेन की रचना है। अकबर ने उन्हें जो है कंठा भरण विलास, भरण वाणी विलास की उपाधि दी। तो अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो थे वह हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये कौन है, तो ये बैरम खान का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था, तो बैरम खान का पुत्र था तथा उच्च कोटि का विद्वान और कवि भी था। यह जहांगीर सलीम का गुरु था तथा जहांगीर से सबसे अधिक अब्दुल रहीम से ही प्रभावित था। जो जहांगीर सबसे अधिक किससे प्रभावित था, तो अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित था। फिर क्या है, देखिए उसने तुर्क भाषा में रचित बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। जब मैं बाबर का क्वेश्चन पढ़ा था मैंने बताया था कि जो तुर्की में लिखा हुआ जो बाबर नामा था उसका जो फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसी ने, अब्दुल रहीम खान खाना किया था। फिर अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कौन थे, तो यह अरब का रहने वाला तथा हुमायूं के साथ भारत आया हुआ था। तो यह कौन था, अरब का रहने वाला था और हुमायूं के साथ जो है यह भारत आया था। अकबर के नौ रत्नों में इसे भी स्थान प्राप्त है और इसे जो है भोजन में दो प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। मतलब ये भोजन में जो है दो प्याज हमेशा लेते थे, खाते थे, इसलिए जो अकबर ने इन्हें क्या दो प्याजा की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, जो अब नेक्स्ट है वो है फैजी। फैजी कौन थे, तो फैजी अब्दुल जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक है, वह दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। अकबर के दरबार में वह राजकवि के पद पर आसीन था। तो
तो ये जो फैजी था ये अकबर के दरबार में कौन था, तो राज राज कवि के पद पर आसीन था। और इसकी मृत्यु कब हो गई, तो 1595 ईस्वी में हो गई। और आखिरी था जो हकीम हुकाम, ये कौन था, तो ये हकीम हुकाम जो है ये अकबर की दरबारियों में इसका भी प्रमुख स्थान था। वह अकबर का रसोई घर का प्रधान था, जो अकबर के घर मतलब जो वहाँ पे खाना वाना बनता था उसका वो प्रधान था। ठीक है, अब हम लोग जो एक आखिरी आते हैं तो ये है भगवान दास। ये जो है इसमें नवरत्न में तो शामिल नहीं है, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था अकबर के डायनेस्टी में। तो वो क्या था कि भगवान दास जो है अमेर के राजा भारमल का पुत्र था। ठीक है, और क्या है, और इसी जो इसी भगवान दास का जो पुत्र था वही था राजा मानसिंह। ठीक है, तो भगवान दास की जो बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ, तो जो ये भगवान दास है इसका बहन का विवाह जो है जोधा भाई जिन्हें हम लोग नाम से जानते हैं उनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। वह 1562 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक अकबर का साथी व मित्र रहा। गुजरात से काबुल और कश्मीर तक उसने बहुत से युद्धों में भाग लिया। उसने 5000 का मनसबदार बना दिया गया, मतलब उसे जो है 5000 का मनसबदार बना दिया गया तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। तो अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी, तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो ये था आज का हमारा अकबर का। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम लोग अकबर के बाद जो है आगे पढ़ेंगे कि जहांगीर के बारे में, फिर उसके बाद जो उसका जो पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का पार्ट दोस्तों। जरूर बताएं कमेंट करके कि आज का पार्ट कैसा लगा आपको। आशा करता हूँ कि आपका पार्ट आज का पार्ट जो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारा जितना भी पुराना वीडियो है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आप उसे बस फॉलो करते रहें जो, और फिर आगे आने वाला कोई भी परीक्षा है उसमें आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारा जितना भी है मैथ्स का, ठीक है, फिजिक्स का, जो भी वीडियो आ रहा है, जीके का, करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन आंसर, जो भी वीडियो आ रहा है, आप लोग सबको फॉलो करें, सबको देखें, यही इम्पॉर्टेंट है। और इसी से यदि आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।